मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ, उस काम में लगा हूँ। और कुछ फुटकर बीमारियां बताता हूँ, एक मेडिसिन के बारे में बताता हूँ, बीमारियां उससे जुड़ी। एक बहुत अच्छी दवा आपके घर में है, पान में जो चूना खाते हैं ना, चूना, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, चूना। कई बीमारी ठीक होती है इससे। जैसे आपको जॉन्डिस हुआ, पी लिया, चूना खाइए, फिर आप बहुत अच्छी दवा, गन्ने का रस लीजिए, उसमें चूना मिला के पी लीजिए, चूना लीजिए गेहूं के दाने के बराबर, और गन्ने का रस ले लीजिए एक गिलास, और गन्ने का रस ना मिले तो गुड़ का पानी बनाइए एक गिलास, गुड़ और पानी, और उसमें चूना डाल के पीजिए, जॉन्डिस की बहुत अच्छी दवा है। और यही चूना जो है ना, नपुंसकता की भी दवा है, इम्पोटेंसी, वो बेस्ट मेडिसिन है। तरीका वही है, गेहूं के दाने के बराबर चूना गन्ने के रस में, नहीं तो गुड़ के पानी में पीना। ये चूना बहुत अच्छी दवा है जॉइंट्स पेन के लिए, अगर घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, कंधे में दर्द है, चूना गेहूं के दाने के बराबर पानी में मिला के पी सकते हैं, दही में डाल के खा सकते हैं, दाल में मिला के पी सकते हैं, रस कोई जूस में भी पी सकते हैं, जॉइंट्स पेन बहुत जल्दी ठीक होता है। हड्डी का दर्द कितना भी है वो चूना ठीक करेगा। एक बहुत खराब बीमारी है ना, स्पॉन्डिलाइटिस, उसमें चूना बहुत अच्छी मेडिसिन। आपके जो पीठ की रीढ़ की हड्डी है, इसमें लंबर रीजन में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, L1, L2, L3 के आसपास गैप बढ़ गया है, तो आप चूना खाइए, बहुत जल्दी ठीक होगा। अगर हड्डी टूट गई है, क्रैक हो गई है, उसको जल्दी जोड़ना है, तो चूना खाइए गेहूं के दाने के बराबर, दही में, नहीं तो छाछ में, नहीं तो दाल में, पानी में, किसी तरह से खाए। हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, उनकी लंबाई बढ़ानी है तो चूना खिलाइए, 2-3 साल लगा, और उतना ही दीजिए गेहूं के दाने के बराबर, दही में, दाल में, किसी। हमारे घर में अगर ऐसे बच्चे हैं जो मेंटली थोड़े से वीक हैं, मानसिक रूप से कमजोर है, मेंटली रिटार्डेड जो बच्चे होते हैं, मतिमंद, उन सबको चूना दीजिए 2-3 साल लगातार, ऐसे दीजिए दही में, गन्ने के रस में, या तो दाल आदि, बहुत अच्छे से ठीक हो। ये चूना बहुत अच्छे से काम आता है जब आपके दांत में ठंडा गर्म पानी लगे, तो उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन। ये चूना बहुत अच्छे से काम आता है जब नाखून में कोई इन्फेक्शन हो जाए, नेल्स में कोई भी बीमारी है, इन्फेक्शन है, तो आप चूना दीजिए, बहुत अच्छे से ठीक हो। ये जो चूना है ना, आप इसको जरूर हरेक उस माँ को दीजिए जिसकी उम्र 50 वर्ष हो गई। जब भी कोई माँ 50 वर्ष के आसपास की उम्र में आती है ना, तो उनका मेंसी साइकिल बंद हो जाता है, उस समय जो मेनोपॉज पीरियड शुरू होता है, उसके सारे कॉम्प्लिकेशन चूने से ठीक होते हैं। अक्सर हमारी माताओं को बढ़ती हुई उम्र में ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ऑस्टियोपोरोसिस का बेस्ट मेडिसिन चूना है। हमारे घर में अगर कोई गर्भवती माँ है, उसको जरूर चूना खिलाइए, गेहूं के दाने के बराबर चूना, और 1 कप अनार के रस में, अनार का रस और गेहूं के दाने के बराबर चूना, रोज किसी भी गर्भवती माँ को नाश्ता करने से 1 घंटे पहले दीजिए। क्यों? गर्भवती माँ को कैल्शियम की सबसे ज्यादा जरूरत है और आयरन की बहुत जरूरत है। ये अनार के रस में आयरन बहुत है और चूने में कैल्शियम बहुत है, तो आयरन कैल्शियम का ही कॉम्बिनेशन है अनार का रस और चूना। हमने देखा कि जो माताएं 9 महीने लगातार चूना खाएं और अनार का रस पिएं, वो सभी की डिलीवरी नॉर्मल होती है, सीजर नहीं करना पड़ता। दूसरा फायदा ये है कि बच्चे जो जन्म लेते हैं वो बहुत हेल्दी होते हैं, बहुत स्वस्थ बच्चे होते हैं, वो बच्चे कभी भी बीमार जल्दी नहीं पड़ेंगे। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये होता है
कि जिन बच्चों की माताओं ने ये चूना खाया है अनार के रस में, वो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ब्रिलियंट, क्योंकि ब्रेन और बॉडी दोनों का डेवलपमेंट चूना कराता है। हर माँ को बोलिए कि गर्भावस्था में जरूर खाए चूना और अनार का रस। हम डॉक्टर के द्वारा लिखी हुई कैल्शियम की गोलियां खाते हैं और वो महंगी भी बहुत हैं और उनके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं। चूना सस्ता भी बहुत है, क्वालिटी में बहुत अच्छा, मिलावट होती नहीं, क्योंकि इतना सस्ता है कोई मिलावट क्या करे, क्योंकि हर चीज इससे महंगी है जो भी इसमें मिलाई जाएगी। और कभी भी चूना मिल जाएगा पान वाले की दुकान में, कभी भी आप ले सकते। और मेरा तो एक छोटा सा सजेशन है आप सभी को, आपके घर में जो पीने का पानी होता है ना, उसमें रोज चूना डाल दीजिए, तो जो भी पानी पिएगा सबको कैल्शियम मिलेगा। चूने के दो फायदे हैं, एक तो कैल्शियम मिलेगा, दूसरा पानी को ये शुद्ध कर देता है। चूने से पानी सबसे ज्यादा शुद्ध होता है। हाँ, अब ये एक 10 लीटर का मटका है, मान लो 10 लीटर के मटके में चावल के या गेहूं के 10-15 दाने के बराबर चूना डालता हूं, 20 लीटर के मटके में उसका डबल कर दो। जो भी चूने का पानी पिएंगे उनको जिंदगी में एक तो खून की कमी नहीं होगी, माने ब्लड बराबर बनेगा, खून बढ़ाता है चूना, हीमोग्लोबिन को अगर आप महसूस करते हैं कि कम हुआ है तो चूना शुरू कर दो, बढ़ जाता है। पान में भी खा सकते हैं, बस इसमें एक ही बात है कि पान में चूना खाए ना तो उसमें कत्था ना लगाए। ये जो कत्था है ना, ये प्रॉब्लम करता है। ये जो कत्था आ रहा है आजकल बाजार में, ये सब नकली है, क्योंकि असली कत्था बहुत महंगा है तो कोई पान वाला उसे नहीं लगाता, और ये नकली कत्था सब कैंसर से। तो आप चूने का पान खाएं, कत्था ना लगाए। और एक निवेदन है, उस पान में सुपारी ना खाएं। सुपारी के अलावा जैसे सौंफ है वो पान में ले लें, इलायची ले लें, लौंग ले लें, और अगर आप डालना चाहते हैं उसमें तो ये सुआ दाना डालें या कुछ और डालें, लेकिन सुपारी नहीं। सुपारी जो है ना, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है, ये डाइजेस्ट नहीं होता, ये सब स्टोन में कन्वर्ट होते, इसलिए सुपारी ना खाएं। चूने का पान खाएं, बहुत अच्छा, और चूने का पान बेस्ट कॉम्बिनेशन है आयुर्वेद में। देखो मैं आपको बताऊं, चूना वात नाशक है, माने वात की हर बीमारी की चूना दवा है ऐसे, और पान जो है ना पित्त और कफ नाशक है। पित्त की जितनी बीमारियां हैं, कफ की जितनी बीमारियां हैं, पान उनमें औषधि है। तो चूने का पान अगर आप खा रहे हैं तो वात पित्त कफ नाशक चीज खा रहे हैं तो आप तो बीमारी नहीं पड़े, ऐसा अद्भुत कॉम्बिनेशन है चूने का पान। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत में जिसने भी ये परंपरा शुरू की चूने का पान खाने की, वो बहुत इंटेलिजेंट कोई रहा हो। हमारे घरों में है ना चूने का पान खाते हैं, सब घर में पानदान रहता है, मैंने तो कई शादियों में देखा है दहेज में पानदान देते हैं। हाँ, बिहार में देखा, झारखंड में देखा, आसाम में देखा, बेटी को कुछ दे ना दे लेकिन पानदान जरूर देते हैं, भरा हुआ पान और चूना। तो ये शायद इसलिए हुआ कि हमें कैल्शियम की बहुत जरूरत है शरीर को, और एक कैल्शियम कम हो जाए शरीर में तो 70 बीमारियां आ जाती हैं एक कैल्शियम के कम होने से। तो भारतवासियों ने ये देखा होगा कि कैल्शियम कम होने से इतनी तकलीफें हैं, तो इसलिए चूने के पान की परंपरा आई हमारे देश में। तो आप चूने का पान खाइए, चूना दही में डाल के खाइए, चूना पानी में खाइए, दाल में डाल सकते हैं, दाल बनाते हैं ना थोड़ा चूना डाल दीजिए, दो खाएगा सबको मिलेगा कैल्शियम। किसी भी तरह दूध में नहीं खा सकते चूना, दूध छोड़कर किसी। और एक आखिरी बात चूने के बारे में है, वो ये कि जिनको स्टोन की प्रॉब्लम है, या तो गॉल ब्लडर स्टोन है, या तो किडनी स्टोन है, या तो मूत्रपिंड में, वो चूना ना खाए जब तक कि स्टोन नहीं निकलता।
दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।